So good morning students, welcome back all of you in the maths class. I am your maths teacher and without wasting further time, let's get started. So in last period or last video lecture, we completed our exercise 4.2. Now we are moving on exercise 4.3. What exercise 4.3 says, same as the solve the following equation. यहाँ पर भी हमको क्या करना है, equation को solve करना है जैसे हमने previously किया था, लेकिन यहाँ पर equations थोड़े हार्डर, हार्ड नहीं कह सकते, उसको कह सकते द लिटल बिट हार्डनेस इज गो अप और लिटल बिट द रिक्वायर माइंड वर्क. सो यू हैव टू यूज हियर योर माइंड फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द आई टुक सम ऑफ द क्वेश्चन ए जी एंड जे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन. नाउ वन बाय वन आई सॉल्व इट. सी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन इज अवर इंस्ट्रक्शन. सो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेशन की मेथड से भी जा सकते हैं या तो हम डायरेक्ट ट्रांसपोजिंग मेथड से भी जा सकते हैं. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन में ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ करूँगा, दूसरे में मैं सेपरेशन वेरिएबल यूज़ करूँगा, थर्ड में अगेन मैं ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ करूँगा. आपको जो भी अच्छी लगे यू कैन यूज इट. बोथ द मेथड, इन बोथ द मेथड यू विल गेट सेम आंसर. मेथड कोई भी यूज़ करो, आंसर आपका सेम ही आएगा. अगर आपको पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में दिया है कि यूज़ द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, देन यू हैव टू यूज़ दैट मेथड ओनली सेपरेटिंग वेरिएबल एंड स्टेप बाय स्टेप मेथड. इफ देर इज नो सच इंस्ट्रक्शन इज गिवन, यू कैन यूज बोथ ऑफ देम. सो फॉर द सेपरेशन मेथड और फॉर द ट्रांसपोजिंग मेथड देर इज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रूल्स आर देयर. इफ देर इज एडिशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इफ यू मूव ऑन द राइट हैंड साइड, इट बिकम्स सब्ट्रैक्शन. If there is subtraction, it becomes addition. If there is a multiplication, it becomes division. If there is a division, it goes in multiplication. Same way it happens with repeating on the left to right. अगर left hand side से right hand side जा रहे हो तभी भी यही rules apply होंगे. So the first question I'll use by transposing method and this laws of transposing method. This is laws for transposing method. So transpose or shifting the values on the one side to another side of is equal to. So now see our first question is 2y plus 5 by 2 is equal to 37 divided by 2. Now I have to separate the variable. दोनों में सेपरेट वेरिएबल को जब तक सेपरेट नहीं करेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा. सो फर्स्ट इज वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल. बट हियर what I have to do, if I want to separate the variable, I have to divide by 2 and the subtracting by 5 by 2 both the side. But here I am using transposing method. Transposing method में क्या होगा, मैं यहाँ पर subtract और divide नहीं करूँगा, सीधा ये उठा के दूसरी side ले जाऊँगा. So 5 by 2 को सीधा उठा के मैं ले जाऊँगा on the right side. So कैसे हो, 37 divide by 2. अब यहाँ से मैंने उठा लिया, right side पर रखूँगा, that is in addition. So see here, if there is an addition, if you take on the right hand side, it becomes subtraction. So the plus sign becomes minus sign 5 by 2. उठा के सीधा रख दिया, यहाँ पर addition था उसका हो गया subtraction. Easy, the laws you have to follow properly. Now the denominators are same, so you can write like this, 37 minus 5 divided by 2. Then here 2y. Now 37 minus 5. So here it is 20. 37, 25 plus 7, which is 32 divided by 2 and 2y. So now 32 divided by 2 and 2y. So again, y still not separated, our variable is not separated yet. अगर हमको उसको भी सेपरेट करना है तो यहाँ से 2 रिमूव करना पड़ेगा. 2 इज इन डिवीजन, सॉरी इन मल्टीप्लीकेशन. अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में उसको सीधा उठा के ले जाऊँगा, अब यहाँ पर मैं डिवीजन नहीं करूँगा, सीधा उठा के राइट हैंड साइड पे फेंक दूंगा. सो यहाँ से सीधा उठा के मैंने राइट हैंड साइड पे डाला. सो वॉट दैट थिंग्स बिकम्स, इट इज़ इन मल्टीप्लीकेशन, इट गोज इन डिवीज़न. सो ये आएगा यहाँ पर, जाएगा 2 के साथ में डिवीज़न में.
So it goes in division. So now y is equal to 32 divided by 4. Easy. Now what we have to do? Just divide now. Y is equal to what? Now in 4 table there is 32 comes. 4 5s are 20. 4 7s are 28. 4 9s are 36. So 4 8s are 32. So here 4 8s are 32. So our answer is y is equal to 8. So this is your final answer, and this is the method in this solution I use, transposing method. Transposing method में हम क्या करते हैं, एक पूरे टर्म को और एक पूरे डेटा को हम क्या करते हैं, उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं. जैसे 5 बाई 2 को मैंने उठा के दूसरी साइड ले दिया, फिर उसके बाद 2 को उठा के दूसरी साइड ले लिया. लेकिन हमको यहाँ पर रूल्स, वी हैव टू रिमेंबर द रूल्स. इफ इन दैट टर्म इज इन एडिशन, इट गोज इन सब्ट्रैक्शन. इफ इट इज इन सब्ट्रैक्शन, इट गोज इन एडिशन. It is in multiplication, it goes in division. If it is in division, it goes in multiplication. So इतना आपको follow करना है, that is the transposing method. अभी इसी चीज़ को हम same method से separation variable method से भी solve कर सकते हैं. In this equation, I'll show how we will use separation method or separating variable method. See, 7m is equal to, now अब यहाँ पर हमारा variable क्या है, m is our variable, we have to separate the variable. So one by one separate. A plus 19 by 2 is there. So if I subtract with 19 by 2 is equal to 13. Here also I have to subtract with 19 by 2. लेकिन वो method क्या हो जाएगी, यहाँ पर अब 19 by 2 से मैं subtract करूँगा, then I have to take LCM. LCM लेने के बाद जो answer आएगा वो हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, उसके बाद भी हमको मेथड फॉलो करनी पड़ेगी. तो उसके लिए सीधा सीधा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आई विल ट्रांसपोर्ट इट डायरेक्टली लाइक दिस. आई विल ट्रांसपोर्ट होल टर्म विथ हिज साइन ऑन दी अदर साइड. सो नाउ द टर्म बिकम्स 7m इज इक्वल टू 13. नाउ प्लस 19 डिवाइड बाई 10 बिकम्स 19 डिवाइड बाई 2 बिकम्स माइनस 19 डिवाइड बाई 2. Same for transporting method. Now I still need to remove the 7. First of all I solve this, then remove the 7. So here 13 minus 19 divided by 19 divided by 2. So sub yahan par LCM kya aayega, 2. So 13 to the 26 minus 19 divided by 2. So here 7m is equal to, see, 19 plus 1, 20, 20 plus 6 is 26. So 7 divided by 2. Now 7 is in multiplication here. 7 multiply m is equal to 7 by 2. So if it is in multiplication, if I want to remove by transposing method, I have to take 7 on the other side. It goes in denominator. Or on the if I use a variable separation method by step, so I have to divide this with the 7. So let's divide this. 7 multiply m divided by 7. Here also 7 divided by 2 multiply 7. So 7 7 goes. Here also 7 7 goes. Cancel out. So now the leftover answer is m is equal to 1 by 2. So what here I did, first step 19 divided by 2 on right hand side, and the other step what I did, other step divide by 7 on both side. तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, पूरा 19 डिवाइड बाय 2 को अदर साइड ले गया, साइन चेंज हो गई, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साइन चेंज होती है. नाउ द लेफ्ट ओवर इज 7m इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 2. सो 7 आपको 7 को मुझे वेरिएबल से सेपरेट करना है, या तो मुझे 7 को शिफ्ट करना पड़ेगा या तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा. सो इफ आई शिफ्ट स्टिल आई गेट द सेम आंसर. देखो यहाँ पर अगेन मैं क्रॉस वेरीफाई करते हैं, इसी स्टेप से हम आगे बढ़ते हैं. 7m is equal to 7 divided by 2.
सेवन को उस साइड ले जाऊंगा, इट इज इन मल्टीप्लीकेशन सो इट गोज इन डिविजन. सी इफ देर इज समथिंग इन मल्टीप्लीकेशन, इफ यू शिफ्ट ऑन द राइट साइड इट गोज इन डिविजन. सो हियर सेवन इज इन मल्टीप्लीकेशन विथ एम अवर वेरिएबल, इट गोज इन राइट साइड. इफ यू शिफ्ट ऑन द राइट साइड इट गोज इन डिनोमिनेटर. सो सेवन सेवन कैंसिल आउट, नाउ वन बाई टू इज योर आंसर. सो वॉट एवर द मेथड यू चूज, वॉट एवर द मेथड यू यूज, द योर आंसर विल बी द सेम. यहाँ पर भी m इज इक्वल टू वन बाई टू आया, यहाँ पर भी m इज इक्वल टू वन बाई टू आया. सो इफ यू यूज ट्रांसपोजिंग मेथड स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर, इफ यू यूज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर. नाउ द J, क्वेश्चन नंबर J. हियर आई टोटली यूज द ट्रांसपोजिंग मेथड. सी 2b डिवाइड बाई 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, राइट. नाउ द फर्स्ट स्टेप आई विल शिफ्ट 5 ऑन द अदर साइड. सो 2b इज इक्वल टू 3 प्लस 5. वाई प्लस 5? बिकॉज इट इज ऑन द माइनस 5. सो इफ यू गो ऑन द, इफ यू टेक ऑन द राइट साइड इट बिकम्स प्लस. सो नाउ 2b डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8. नाउ यू हैव टू शिफ्ट 3 ऑन द अदर साइड. सो 2b इज इक्वल टू वॉट 8 मल्टीप्लाई 3. नाउ अगेन वेरिएबल इज नॉट सेपरेटेड येट, स्टिल हमारे पास वेरिएबल में दो बाकी रहा है, दो 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन विथ b, राइट. सो वॉट हैपन्स, वाई, बिकॉज 2 is in multiplication, if I shift on the other side, it goes in denominator. So, 8 multiply 2 divided by 3. Now you know that 2 4s are 8. So, 4 multiply 3 left on the numerator. So, the final answer becomes B is equal to 12. This is the total transposing method and this is the separation of variable method. Both the method you can mix it, or either you can use only transposing method, only separation of variable method. Whatever the method you choose, your answer will be the same on the every time. So यहाँ पर जब instruction दिया हो solve the equation, following equation, मतलब आप कोई भी method use कर सकते हो, आपका answer तो वही आएगा. Okay, so this is the question number 1. Now moving on our question number 2. Okay students, so now moving on our next question, question number 2. Solve the following equation. Again solve the following equation, whatever the method you want, you can use it. So in first, let's solve this. See, question number 2a, 2 in the bracket x plus 4 is equal to 12. अब कोई भी मेथड यूज़ करो, हमको क्या करना है, एक चीज़ हमेशा याद रखनी, यू हैव टू सेपरेट द वेरिएबल. सो हियर द वेरिएबल इज x, सो आई हैव टू सेपरेट द x. एनी हाउ, कैसे भी करके x को सेपरेट करो. सो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रिमूव द 2. सो 2 को मैं सीधा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ ले जाऊँगा. सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 12, इट इज़ इन मल्टीप्लीकेशन इट गोज इन डिविजन. सो नाउ x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 6 आर 12 इजी. सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6. नाउ द स्टिल x with the 4 is left, so x is equal to 6. Now 4 is on the left side plus, so if I put on the right side or shift on the right side, it becomes minus. So the final answer becomes x is equal to 2. 6 minus 4 is equal to 2. Easy. Just the transposing method I use here. So ट्रांसपोजिंग मेथड इज़ वेरी इजी, ओनली आपको क्या करना है, वन साइड टू अनदर साइड ले जाना है. डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन, सब्ट्रैक्शन बिकम्स एडिशन एंड एडिशन बिकम्स सब्ट्रैक्शन. सो सेम वे आई डिड, 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद होल ब्रैकेट, सो आई शिफ्टेड 2 ऑन द राइट हैंड साइड, इट गोज इन डिवीजन और इन डिनोमिनेटर. सो सेम वे देन आई कट इट आउट, 6 2s are 12. नाउ द इक्वेशन बिकम्स x प्लस 4 इज इक्वल टू 6. नाउ इन इक्वेशन स्टिल the variable has a 4 with addition, so I have to separate the variable. So plus 4 I shifted on the right side, so plus 4 becomes minus 4, so 6 minus 4, so x is equal to 6 minus 4, which means 6 minus 4 is answer is 2, so x is equal to 2. So the final answer we got, x is equal to 2. Easy. Same way we can use here also transposing method. See,
3 इन द ब्रैकेट n माइनस 5 इज इक्वल टू 21. सो 3 को हम क्या करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के थ्रू टेकिंग ऑन द राइट साइड. सो n माइनस 5 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 3. वाई डिवीजन? बिकॉज 3 इज इन मल्टीप्लीकेशन विथ होल ब्रैकेट, सो दैट्स वाई इट गोज इन डिवीजन. सो दैट्स वाई 3 7 जा 21, एज यू नो एज पर टेबल. सो n माइनस 5 इज इक्वल टू 7. सो n इज इक्वल टू वॉट? n इज इक्वल टू, इफ यू शिफ्ट माइनस 5 ऑन द अदर साइड, तो 7 प्लस 5. सो 7 देन 8 9 10 11 एंड 12. सो n इज इक्वल टू 12. इजी. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड ट्रांसपोजिंग मेथड इज वेरी इजी इफ यू नो द रूल्स प्रॉपरली. द सेपरेशन वेरिएबल मेथड इज quite difficult, but it is very easy method if you know the proper rules. So question number 2, the leftover sum, question number 2 leftover sums you can do like this. Okay, so now moving on question number 3. See question number 3 again, we have to separate the variable from the equation. So here the equation is given 16 is equal to 4 plus 3 in the bracket t plus 2. Now the variable is given on the right side, right? कुछ नहीं करना है अभी, तो राइट साइड में वेरिएबल है तो बाकी सबको कहाँ ले जाओ? ऑन दी लेफ्ट साइड, और वेरिएबल को रखो राइट साइड पे. सो लेट्स डू द शिफ्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल सी 4 इज इन एडिशन विथ 3 इन द ब्रैकेट टी प्लस 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 को लेना पड़ेगा ऑन दी राइट साइड टू लेफ्ट साइड. सो 16 माइनस 4, दिस होल टर्म मूव्स ऑन द लेफ्ट साइड. सो प्लस 4 बिकम्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3 इन द ब्रैकेट टी प्लस 2. सो नाउ 16 माइनस 4 इज व्हाट? 12. 3 इन द ब्रैकेट टी प्लस 2 लेफ्ट. अगेन 3 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद द होल ब्रैकेट, यू हैव टू शिफ्ट द 3 ऑन द लेफ्ट साइड. सो 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू t plus 2. Now you know the answer, 3 4 are 12. So here continuing our answer, now the answer left 4 is equal to t plus 2. Why 4? Because 3 4 are 12. We divided 12 with the 3. In 3's table it multiplies with the 4. 3 4 are 12. So that's why answer is 4. Now on the right side left t plus 2, still variable t has a 2. So 2 को भी हम क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे ऑन दी लेफ्ट साइड. सो अभी हमारे पास 4 माइनस 2. वाई माइनस 2? बिकॉज 2 इज अ प्लस. सो इफ यू शिफ्ट ऑन दी लेफ्ट साइड टू राइट साइड और राइट साइड टू लेफ्ट साइड, इट साइन चेंजेस. सो प्लस 2 बिकम्स माइनस 2 एंड इज इक्वल टू नाउ ऑन दी राइट साइड व्हाट? लेफ्ट टी ओनली. सो 4 माइनस 2 इज व्हाट? 2 इज इक्वल टू टी. सो यू कैन राइट लाइक दिस, टी इज इक्वल टू 2. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. ये हमको कन्फ्यूजन करने के लिए लिखा होता है कि ऑन द राइट साइड है तो हम उसको शिफ्ट करके लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं, दोनों को सेम वे में लिख सकते हो. टी इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू टी, इट इज़ द सेम थिंग. सो टी इज इक्वल टू 2. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी. नाउ मूविंग ऑन आवर क्वेश्चन नंबर डी. सेम वे डी में देखो, वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड एंड सो वेरिएबल लेफ्ट साइड है तो बाकी सब चीज़ें हम कहाँ ले जाएंगे? ऑन दी राइट साइड. सो स्टार्टिंग विद द एडिशन, वेरिएबल के साथ जो पहले एडिशन में है उसको उठा लो. सो 5p-1, दैट 4 गोज ऑन दी राइट हैंड साइड. सो नाउ 34-4, सेम वे 5p-1, 34-4 इज व्हाट? 30. Now, with the variable, still we have multiplication 5 and the subtraction with 1. So, first of all, I have to remove 5. So, I have to shift the 5 on the other side. So, p minus 1 is equal to, now 5 shifted on the right hand side. So, it goes in division. Why in division? Because it is in multiplication on the left side. If you shifted on the right side, it goes in division. So, 5, 6 are 30. So here 6, still we have p minus 1, our variable is not still yet separated. So again we have to separate p, for that we have to remove the 1. So
move the minus 1 on the other side. So P is equal to now 6 plus 1. Why? Because on the left side it is minus 1, if you shift it on the right side it becomes plus 1. So now the final answer is P is equal to 7. So by transposing method you can solve the equation like this easily. Okay, so now moving on, question number 4. Construct 3 equations starting with the x is equal to 2. अब यहाँ पर एक small equation दिया है, उससे हमको एक proper equation create करना है, एक solution दिया है, उसके ऊपर से हमको क्या करना है, we have to find the equation. How can we make the equation from the solution? It is easy, whatever you multiply, whatever you add, you have to add both the side. So first of all, make first equation, take the solution x is equal to 2. Now suppose I want to multiply 4 both the side. So 4x is equal to here 2 multiply 4. So here I have to write steps, multiply by 4 on both side. So the equation becomes 4x is equal to 4 to the 8. So again this is not sufficient for me. If I want to move on, again मुझे आगे उसको करना है, आगे और भी expression बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाऊँगा मैं? I'll add something. Suppose I add 5, so I have to add both the side. So I'll write like the steps, adding 5 on both side. So now our equation becomes 4x plus 5, 8 plus 5, see 8, 9, 10, 11, 12 and 13, so that is 13. So 4x plus 5 is equal to 13 is our proper equation number 1. यह हो गया हमारा equation number 1. ऐसे ही हम दूसरा equation बना सकते हैं, we have to make 3 equations. How many we have to make? 3 equations. So first I make here, again make the second one. Same way you have to do, whatever your thing you want to multiply, add, subtract, do both the sides and write on the right side that you, whatever the steps you are performing here. So again take x is equal to minus 2. Now first time we multiply, now I directly add, so add x plus 4, 2 plus 4, so adding 4 both side. So यहाँ पर क्या किया मैंने, दोनों साइड पे 4 को ऐड किया. So now our equation becomes x plus 4 is equal to 4 plus 2 is equal to 6. So this is your equation. Is it? Same way you can make another, not only 3, you can make whatever number of equation you can make, the infinite number of equation you can make from the one solution. एक single solution से आप कितने ही चाहे, जितने चाहे उतने इक्वेशन बना सकते हैं. ओनली द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, वॉट एवर यू मल्टीप्लाई, वॉट एवर यू ऐड और वॉट एवर यू डिवाइड, डू बोथ द साइड. कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ भी ऐड कर रहे हो या कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, क्या करो, दोनों साइड पे करो परफॉर्म. एंड यू हैव टू राइट द स्टेप्स ऑल्सो. सो दैट्स हाउ यू कैन मेक द इक्वेशन. आई मेड 2 हियर, अनदर वन यू कैन मेक बाय योर सेल्फ. सो क्वेश्चन नंबर ए 4a डन, और 4b यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. सो दिस इज द एक्सरसाइज 4.3 होल कंप्लीटेड हियर. सो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 4.4. टिल देन थैंक यू.